डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपके ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी। तो इसमें आप लोगों ने हम लोगों ने बात की थी ना कि हमें क्या क्या आकाश में, आसमान में बहुत सारे जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो दिखते हैं नाइट टाइम में, ठीक है, वो स्टार्स, मून, ठीक है ना, सन, जो बहुत सारे जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स आपको दिन के अपेक्षा रात में हमें ज़्यादा अच्छा से दिखता है। तो ये ऑल आर जो ब्राइट थिंग है जो आपको शाइनिंग करता है नाइट स्काई में, दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। इसको हिंदी में हम खगोलीय पिंड भी कहते हैं। इसके बाद खगोलीय पिंड हमने बात स्टार क्या होता है, तो स्टार्स आप जानते हैं कि ये ऐसा खगोलीय पिंड होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, बहुत गर्मी होती है, ये गैसों से बना होता है, और स्टार्स की क्या होती है, अपनी एक उनकी क्या होती है, हीट होती है उसमें और अपनी लाइट होती है, और ये अपनी हीट और लाइट को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित मतलब एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, और इसी प्रकार जो दी जो सेलेस्टियल बॉडीज है इसको जो है वह ऑल जिसको स्टार कहा जाता है। जैसे साइन सन जो है वो क्या है, वो भी हमारा क्या है, स्टार है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बात करते हैं हम कि नाइट स्काई में आप जितने भी है देखोगे सन है, ये हम लोग फील तो नहीं करते बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि सन हमसे भले इसमें हम बहुत नज़दीक तो है बट इतना भी नज़दीक नहीं है, वो हमसे काफ़ी दूर है, इस वजह से हमें उतनी ज़्यादा उसकी है ना गर्मी महसूस नहीं होती। फिर हमने तारामंडल की बात की थी, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है ना, नक्षत्र मंडल जिसको कहते हैं हिंदी में, नक्षत्र मंडल वह होता है जो डिफरेंट फॉर्म्स जो बनते हैं ना ग्रुप ऑफ स्टार के, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन या नक्षत्र मंडल। जैसे उर्सा मेजर, बिग मियर, सप्तऋषि तारामंडल है ना, ये सब आप लोग सुना भी होगा ना, जो सप्तऋषि तारामंडल जो सात तारों का जो समूह है, इसको हमने बताया था आपको ये लास्ट वीडियो में देखना आप लोग, ठीक है, इसमें ये सात तारों का मंडल दिख रहा है और कैसे उसके सामने सीध में आप जाओगे तो दैट इज़ द नॉर्थ स्टार। तो नॉर्थ स्टार क्या होता है, जिसकी जो सेम पोजिशन स्टैगनेंट होती है नॉर्थ में, जिससे एंशियंट टाइम में प्राचीन काल में जो ट्रैवलर्स होते थे वह इसके डायरेक्शन पता लगाने का के लिए हेल्प लिया करते थे। ठीक है, स्टार के बाद हम लोगों ने बात की थी प्लैनेट्स की, जिसको हिंदी में ग्रह कहते हैं, ठीक है, और ग्रह वह खगोलीय पिंड होता है जिसके अपने हीट और लाइट नहीं होती है। तो एक डिफरेंस आप यहाँ समझ गए होंगे, व्हाट डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट, कि स्टार्स में अपनी हीट और एनर्जी होती है बट प्लैनेट्स में क्या होता है, ग्रहों की अपनी कोई एनर्जी उनके अंदर ना कोई उसमें लाइट कुछ भी नहीं होता। तो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उसको लाइट कहाँ से मिलती है, तो दे रिसीव लाइट्स फ्रॉम द सन। ठीक है, हम लोग को जैसे हमारी पृथ्वी है, क्या ये भी एक ग्रह है, प्लैनेट है, और पृथ्वी को लाइट और सन कहाँ से मिलता है, हीट और लाइट, तो वी गेट फ्रॉम द सन। ठीक है, हमें सन से मिलता है, जो पृथ्वी का सबसे क्या है, विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, नियरेस्ट मतलब सबसे नज़दीक का स्टार है। तो इफ़ यू लुक एट द अर्थ एट अ ग्रेट डिस्टेंस है ना, से द मून जैसे, तो इसी प्रकार वो भी जो है काफ़ी पृथ्वी से दूर पर ही है बट हमें जो है पर्याप्त जो है उसकी लाइट और एनर्जी मिल जाती है, जिससे यहाँ पर पृथ्वी को जो रिसीव होता है सन से लाइट एंड हीट। देन द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, और मून क्या है, वो है सैटेलाइट है, शो अर्थ का कॉम्पेनियन है, और ये अर्थ के क्या करता है, राउंड में चक्कर लगाता है, इट्स मूव्स अराउंड द अर्थ। तो लाइक द अर्थ ऑल द सेवन प्लैनेट्स दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, मतलब सभी को जो लाइट और जो हीट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। देन अगेन सोलर सिस्टम देख लिया, देख लिया हम लोगों ने, द सन, द एट प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो सूर्य, आठ ग्रह, उपग्रह, ठीक है, जो खगोलीय पिंड है, इसके साथ जो एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह, मेटेराइड्स जो उल्का पिंड कहते हैं हिंदी में, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, सौर मंडल, सोलर सिस्टम यही है, जिसका पिक्चर आप ये देख रहे होंगे। ठीक है, इसको आप देखेंगे, सोलर सिस्टम का हमारा पिक्चर है, डायग्राम है, इसको आप बना भी लोगे। देन सन हो गया, सन क्या है, सन जो सोलर सिस्टम के सेंटर में है, और जो सन है, इट इज़ यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, है ना, ये गर्म गैसों से बना हुआ है, और इट प्रोवाइड्स, तो ये सन जो है सोलर सिस्टम में एक पुलिंग फोर्स से वैसे क्या है, स्टैगनेंट है, बाइंड जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल बाइंडिंग जो है वह पुलिंग फोर्स की वजह से, और इस प्रकार जो है पूरी मतलब इस सोलर सिस्टम में अर्थ सन इज़ ओनली वन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, मतलब सन ही है जिससे पूरे सोलर सिस्टम को हीट और लाइट जो है वह मिलती है।
एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस याद कर लेंगे अर्थ से कितना डिस्टेंस है, तो 150 मिलियन किलोमीटर जो है डिस्टेंस है इसका अर्थ से। देन प्लैनेट्स हम लोगों ने देखा था, प्लैनेट्स जल्दी से कर ले फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स कितने प्लैनेट्स हैं, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, तो दे आर 8 प्लैनेट्स। और ये प्लैनेट्स के नाम बच्चों याद कर लेना, इसमें जस्ट नाम याद करना है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, और जितने भी इस आपके प्लैनेट्स हैं, ये सब प्लैनेट्स क्या करते हैं, तो दे ऑल रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, इन अ फिक्स्ड पाथ, एंड दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, ये मतलब हर सभी ग्रहों का अपना एक क्या होता है, एक रास्ता होता है, इसमें आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में, हाँ, दिस इज अ वे, इलॉन्गेटेड वे, इसको हिंदी में दीर्घवृत्ताकार रास्ता भी कहा जाता है, आप देख रहे होंगे ना। तो ये सबके अपने अपने रास्ता है, पाथ है, इसमें वह चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, तो इसको हम ऑर्बिट कहते हैं या कक्षा कहते हैं हिंदी में। और सभी प्लैनेट्स के अपने अपने है ना डेफिनेट टाइम लगता है एक है ना इसको चक्कर लगाने में। फिर वेनस को हम क्या कहते हैं, अर्थ ट्विन कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ से बहुत रिजेंबल करता है साइज एंड शेप में, तो इसलिए जो है बिल्कुल सिमिलर है, तो इसको हम अर्थ के जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। फिर प्लूटो को निकाल दिया गया था सोलर सिस्टम से इन 2006 में, क्योंकि 2006 के पहले सोलर सिस्टम में है ना 9 प्लैनेट हुआ करते थे, जिसको इसमें जो लास्ट प्लैनेट है प्लूटो, उसको जो है उससे से निकाल दिया गया, और इसको क्या किया गया, ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा गया है ना, आउटर प्लैनेट्स। तो अब इसी वजह से जो है सोलर सिस्टम में हमारे 8 9 की बजाय अब 8 जो है वह पैदा। फिर आर्यभट्ट की आपको आप बता ही दिया था आपने, आर्यभट्ट वाले फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसको भी याद कर लेना, बस एक बार हमने फिर बता दिया कि आपको ध्यान में रहे। फिर अर्थ, अर्थ के बारे में, अर्थ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम दैट इज द अर्थ, बिकॉज ये हम लोग का क्या है ना, अर्थ हमारा घर भी है, हम लोग सारे जितने भी हैं लोग अर्थ में ही रहते हैं। तो अर्थ जो है दिस इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन से इसका कितनी दूरी पर है, तीसरा प्लैनेट है। और साइज की बात कर ले तो ये सारे प्लैनेट्स में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। और इसकी कैसी है अर्थ, ये अर्थ जो है पूरी तरह से गोल ना होकर के ये स्लाइटली फ्लैटेंड है एट द पोल्स, इट मीन्स कि अर्थ जो है अपने ध्रुवों पर क्या होता है चपटा है ना दोनों तरफ से, जैसे लाइक ऑरेंज सेफ आपने देखा होगा ना, जो ऑरेंज नारंगी होता है ना बीच में दोनों तरफ से, आप देखोगे इसको तो चपटा सा होता है, बीच में उभरा हुआ होता है, तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, जियोइड। ठीक है, जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप है ना, पृथ्वी के समान संरचना, तो आप याद कर लेना जियोइड जो है वह अर्थ का शेप कहलाता है, स्फेरिकल। अब बात करेंगे अर्थ जो है सबसे अद्भुत ग्रह या इसको यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है, ठीक है, ऑफ ऑल द सोलर सिस्टम द प्लैनेट्स, उसमें अर्थ ही है यूनिक प्लैनेट, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे क्या है अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ सपोर्ट करता है। ठीक है, और प्रोबेबली मतलब केवल अर्थ ही ऐसा है आज तक है ना, बाकी किसी ग्रह पे आज तक ऐसा कोई भी जो है प्रूफ नहीं मिला है कि वहाँ पे लाइफ है। तो क्या क्या क्वालिटीज़ है अर्थ में बच्चों, तो देखो तो अर्थ में क्या है, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, मतलब पृथ्वी ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, बाकी 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 अदर्स ग्रह क्या है, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और कुछ तो काफ़ी ठंडे हैं, तो वहाँ पे रहने के लिए जो है वो कंडीशन सुटेबल नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, वाटर, पानी है ना, हवा है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल्स के लिए, और एयर में सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफ सपोर्टिंग जो गैस होती है कौन सी है बच्चों, ऑक्सीजन। ठीक है, और इसी सब कारणों से अर्थ को क्या कहा जाता है, यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, पृथ्वी मतलब सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन है, पृथ्वी, क्योंकि यहाँ पे हवा है, पानी है और अनुकूल जलवायु पाई जाती है। फिर अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, सुनीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से जब इसको देखा जाता है ना स्पेस से, तो इसका कलर नीला दिखता है, बिकॉज ऑफ 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, बिकॉज अर्थ का जो 2/3 सरफेस है वह किससे है, ढका हुआ वाटर से, तो इसको इसलिए इसको हम वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। तो अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट या वाटर प्लैनेट। फिर वहाँ बगल में बॉक्स में इसकी भी हम लोग देख लें, व्हाट डू यू नो दैट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना कुछ आपको जानने की, जैसे लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3000 किलोमीटर पर सेकेंड, टू इट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ, इट मीन्स
कि लाइट की जो स्पीड होती है वो कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि लाइट एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 3 लाख। और इसी स्पीड की वजह से लाइट को, सन लाइट को है ना, अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट्स। ओके, तो इसको आप याद कर लेना, क्वेश्चन आते हैं सर कि कितना टाइम लगता है सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में, तो 8 मिनट। नेक्स्ट हमारा क्या है, द मून है, चंद्रमा क्या होती है, तो चंद्रमा जो है वो क्या है, ये हमारा पृथ्वी का सैटेलाइट है, पृथ्वी का उपग्रह। आप देख रहे हो पिक्चर में, द मून एज सीन फ्रॉम द स्पेस। तो द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। तो पृथ्वी का एकमात्र जो है इकलौता उपग्रह है उसका वो क्या है, मून है। तो इट्स डायमीटर इज ओनली, जो इसका जो डायमीटर है ना वो कितना है, 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इट मीन्स कि अगर जो है आप देखो, जैसे ये अर्थ है ना, तो अर्थ चलेगा, तो मान ली ये अर्थ का सेप है ना, अर्थ है ये, तो अर्थ का जो सेप है इसका जो है कहते हैं 1/4 है ना, 1/4 मतलब कि जस्ट इतना सेप है, तो ये है, तो ये 1/4 दैट ऑफ द अर्थ है। तो इट अपियर्स सो बिग बिकॉज इट्स नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो और ये हमें इसलिए दिखता है बड़ा सा, क्योंकि बाकी सेलेस्टियल बॉडी की अपेक्षा मून सबसे हमारे क्या है, अर्थ के नियरेस्ट है, इसलिए बहुत ही हमें बड़ा दिखाई देता है चाँद। और इसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द अर्थ, 384,400 किलोमीटर। इसको डिस्टेंस को भी आप याद कर लेना बेटा, ठीक है बच्चों, इट इज़ अबाउट। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस प्रकार जो है द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। तो अभी हम लोगों ने बात की थी इसकी, सन की भी डिस्टेंस और मून का भी। तो अब ये देखो, तो अर्थ जो मून जो है वो करता क्या है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ ही 27 डेज। जो मून है हमारा सैटेलाइट है अर्थ का, ये भी क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। एंड हाउ मेनी डेज, तो इट्स टेक 27 डेज, 27 डेज एग्जैक्टली। और क्या होता है कि आपको पता है, जितने भी ये ग्रह है, जो ग्रह ये दो प्रकार के मूवमेंट करते हैं, एक तो ये रिवॉल्विंग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के चक्कर लगाते हैं, साथ ही साथ ये अपने क्या करते हैं, अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं, ठीक है, तो अपनी धुरी पे भी चक्कर लगाते हैं। तो अर्थ मून भी क्या करता है, वो अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है और लाइक दैट वो रिवॉल्व भी कर रहा है। तो इसका जो रिवॉल्विंग टाइम है और इसका जो रोटेशन टाइम है, दैट इज़ द सेम, दोनों क्या होता है, 27 दिन में। इसलिए जो है आप पता कि हमेशा एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू द अस ऑन द अर्थ। इसलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मून का एक ही पार्ट जो है, एक ही साइड देख पाते हैं, क्योंकि इसके वो एक ही साथ दोनों गति पूरी करता है, वो अर्थ का एक चक्कर भी 27 दिन में लगा रहा है और अपना एक चक्कर भी अपनी धुरी पर भी वो 27 दिन में घूम रहा है, तो एक साथ दोनों वह स्पीड कर रहा है। तो इसलिए हमें हमेशा मून का जो है एक ही साइड दिखाई देता है। देन मून हैज डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर द लाइफ। और मून में क्या होता है कि कोई भी कंडीशन जो है वह फेवरेबल नहीं है, है ना, यहाँ पर ना हवा है ना पानी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है जहाँ पर अर्थ जो है और लाइफ सर्वाइव कर सके। देखो यहाँ पे चांद की बात आई है, तो इसको थोड़ा देख ले, आप देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट में, द नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20th July 1969। मतलब जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे ना, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर, जिन्होंने धरती पर कदम रखा था, और वो डेट क्या था, 20 जुलाई 1969। अब देखो, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना, बहुत सारे पिक्चर दिया हुआ है, रॉकेट लॉन्च है ना, कैसे रॉकेट फेल बैक्स टू द अर्थ, कैसे सैटेलाइट इंटर्स ऑन द ऑर्बिट। तो इसे कुछ आपको पिक्चर दिए हुए, आप समझ सकते हैं कि कैसे रॉकेट्स जो है वह है ना स्पेस में जाते हैं। तो बात हम कह रहे थे कि मून के पास कोई भी कंडीशन अच्छी नहीं है ना, ठीक है ना, हवा पानी है ना, क्लाइमेट भी अच्छी नहीं है, इस वजह से वहाँ पर क्या होता है, लाइफ कोई भी प्रूफ वहाँ पर है ना, वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पाया क्या जाता है, अब देखो, इट हैज माउंटेन प्लेस एंड डिप्रेशन। यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े पहाड़ है और बड़े बड़े गड्ढे, ठीक है, आप देखोगे बहुत ही उबर खाबर जो जमीन यहाँ पर पाई जाती है मून का। तो दिस कास्ट शैडोज ऑन द मून सर्फेस
तो यहाँ पे इस वजह से क्या होता है, और इसका जो अमून सरफेस से जो शेडो भी इसका जो है दिखाई देता है, जब ये आप ध्यान से देखोगे ना तो इस प्रकार के गड्ढे और वो चीज़ दिखाई देती है जो मून पर है। भले भी नीचे से अच्छा लगता है, बट जब मून पे जगाया गया तो वहाँ पाया गया कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़मीन उबर खावर है, और बड़े बड़े जो उबर खावर ज़मीन यहाँ पर पाई जाती है, बहुत ही विशाल गड्ढे वहाँ पाए जाते हैं। फिर देखो सेटेलाइट के बारे में बताया गया है, सेटेलाइट इज सेलेशियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सेटेलाइट क्या होता है? उपग्रह। उपग्रह वो खगोलीय बॉडी है जो क्या करता है, प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। जैसे बाकी प्लैनेट्स जो होते हैं सोलर सिस्टम में वो सन के चक्कर लगाते हैं, और सेटेलाइट क्या होता है, ये प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं, है ना। इसको आप समझ जाएंगे कि उपग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सभी ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, और सभी प्लैनेट्स के अपने अपने सैटेलाइट होते हैं, और सबके अपने अपने सैटेलाइट्स अपने अपने प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं ना, कोई किसी और का नहीं लगाता है। जैसे हमारे अर्थ का जो सैटेलाइट है मून है, तो हमारा जो अर्थ के कौन चक्कर लगा रहा है, केवल मून लगा रहा है। ऐसे ही सैटर्न के अलग है, जुपिटर के अलग अलग है, तो वो उनके सैटेलाइट्स जो होते हैं वो उनके चक्कर लगाते हैं। तो ये है आपका क्या होता है कि नेचुरल सैटेलाइट्स जो पाए जाते हैं। इसके अलावा अब क्या होता है, मानव निर्मित सैटेलाइट भी है ना, ह्यूमन मेड सैटेलाइट जिसको मानव निर्मित सैटेलाइट कहते हैं, और ये क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, इसको बनाया जाता है, इसको ह्यूमन बनाते हैं। तो ये कौन बनाता है, इट इज़ डिज़ाइंड बाई साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेशन और अदर कम्युनिकेशन। अभी पिक्चर देख रहा होगा ना, ये सब क्या, ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, ठीक है, इसको अभी ह्यूमन ने बनाया है, इसको लॉन्च करते हैं वो लोग, है ना, अर्थ के ऑर्बिट में। तो सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस आर इनसेट, IRS, एनोसैट। तो इसको याद कर लेंगे, ये हमारे कुछ इंडियन सैटेलाइट है जो स्पेस में है, इनसेट, IRS, एनोसैट, और इसकी वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है ना, अबाउट क्लाइमेट के बारे में, ना वेजिटेशन के बारे में, है ना, बहुत सारे हमारे जो पिक्चर्स वगैरह जो भी होते हैं ना, वो सब इससे मिलता है, यूनिवर्स में क्या क्या पाए जाते हैं, तो ये सैटेलाइट सारे इन्फॉर्मेशन और पिक्चर्स वो है वो भेजते रहते हैं। चलो फिर बात करें एस्टोराइड्स क्या होता है, तो इसको हिंदी में एस्टोराइड्स को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस ए टाइनी बॉडी विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। तो सारे ग्रह और उपग्रह के अलावा भी ऐसे बहुत तरह की छोटी छोटी जो है ना, जो कहते हैं संरचना भी जो है वह बॉडी जो होती है वह भी घूमती रहती है, ठीक है, सन के चारों तरफ, और इसको हम क्या कहते हैं, एस्टोराइड्स कहते हैं ना, क्षुद्र ग्रह। तो ऐसे बहुत सारे जो अब एस्टोराइड्स जो पाए जाते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में, मंगल और बृहस्पति। जैसे फिगर 1.2 में आप देखोगे, हम लोग चलते हैं, आपको मैं बताती हूँ उसमें, ये जो हम लोग देखा था ना सोलर सिस्टम का पिक्चर, हाँ, दिस इज द एस्टोराइड बेल्ट, दिख रहा है, ये जो बेल्ट है क्षुद्र ग्रह पट्टी, या मार्स और या सैटर्न जुपिटर, इसके बीच में जो एस्टोराइड बेल्ट दिख रहा है ना, ये है, और यहीं पर सारे एस्टोराइड्स पाए जाते हैं, और ये भी जो है सन के चक्कर लगाते रहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी हुआ जिसके बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि मेटेराइट्स जो, इसको उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड क्या होता है, द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेराइट्स। तो ये छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े जैसे होते हैं, ठीक है, और ये भी क्या होता है, सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और समटाइम्स क्या होता है, दीज मेटोराइट्स कम नियर द अर्थ, है ना, घूमते घूमते क्या हो जाते हैं, कभी कभी ये अर्थ के पास आ जाते हैं, एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन, और इसकी क्या होती है, इसकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, गिरने की हो जाती है। और अभी क्या होता है कि अचानक से जब क्योंकि पास आ जाते हैं तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर, तो क्या होता है कि जब ये पृथ्वी के इन्वायरमेंट में एंटर करते हैं, तो हमारा जो एटमोसफियर है ना, उसके वायुमंडल से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है ना, घर्षण होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, उसकी जो गर्मी और बढ़ जाती है, ठीक है, हीटेड देखो अप एंड बर्न, और वो क्या होते हैं, एस्टोमेटोराइट्स जलने लगते हैं। तो ये क्या होता है, जब वो जलने लगता है पृथ्वी के वायुमंडल में आकर, तो इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, जिसकी वजह से काफ़ी प्रकाश जो है वह बहुत ही जलता हुआ जो अब है वह उत्पन्न होता है, और समटाइम्स मेटर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। और कभी कभी क्या होता है कि यह कभी बिना कोई जले भी है ना, गिर जाते हैं पृथ्वी पर, और जहाँ ये अर्थ पे गिरता है
और बहुत बड़े क्या होते हैं, विशाल गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े हॉलो जैसे गड्ढा बन जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपको देखो पिक्चर में क्या दिख रहा होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, व्हाइट इज ब्रॉड बैंड लाइक अ व्हाइट ग्रोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। जब कभी आप देखोगे या साफ आसमान रातों में, जब काफी तारे हो, है ना, स्टार से भरा हो तब रात, इस समय आप देखो क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, लाखों करोड़ों जो है आपको तारे नजर आएंगे, है ना, आसमान में। और दिस बैंड इज जो आपको ये व्हाइट जो दुधिया पट्टी सी दिखती रहती है ना, जो ये क्या है, ये तो लाखों करोड़ तारों का पुंज है, इट इज अ कंस्टेलेशन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, एंड दिस बैंड इज कॉल्ड मिल्की वे, है ना। तो ये मिल्की वे जो है ना, एसेंट टाइम में इसको जो है वो आकाश गंगा नाम दे दिया गया, एसेंट को दिया ना, एसेंट ना, इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग द स्काई। तो प्राचीन भारत में ऐसा क्या कल्पना की जाती थी कि यह आकाश में क्या है, यह प्रकाश की एक नदी है, इसीलिए इसको मिल्की वे नाम दे दिया गया, एंड थस इट वॉज नेम आकाश गंगा, मतलब गंगा आकाश में बहने वाली नदी, तो ऐसे इसका नाम हो गया मिल्की वे। तो अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी में क्या होता है, बिलियंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स एंड डस्ट एंड गैसेस, इससे मिलकर के गैलेक्सी बनता है। तो आप देखो कि ऐसे बहुत सारे, अब जो है आकाश गंगा जो है मिल्की वे आकाश गंगा से क्या बनता है, यूनिवर्स। तो ऐसे एक नहीं, मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज जो पाए जाते हैं आसमान में, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मांड। तो ये पता, मतलब बहुत ही मुश्किल है पता लगाना, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, ये आज तक पता नहीं लग पाया कि हमारा यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है वह कितना बड़ा है, उसका विस्तार एक्सपेंस कहाँ तक है, ठीक है। आज भी साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो आज भी क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहा है कि यह कितना बड़ा है, और उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन जो है वह जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं वो लोग। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस यू बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हम लोग कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में, बट इतना है कि हम लोग सब इसी यूनिवर्स के क्या पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज यूनिवर्स ब्रह्मांड, जो बहुत सारे आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। तो अब ये जो है आप देखोगे इसमें, दिस इज ऑल फॉर इन दिस चैप्टर, तो आप लोग अच्छे से स्टडी कर लोगे, एंड आफ्टर दैट यू डू द एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है इसको भी आप लोगों को जो समझ में नहीं आएगा तो है ना, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड दिस। ओके, थैंक यू।